नमस्ते, मैं हूँ कृष्णा और मेरे चैनल बॉन्ग इन बे के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है लॉन्ग वीकेंड, इसलिए हम निकल पड़े सैन फ्रांसिस्को सिटी घूमने। आज हमारा घूमने का डेस्टिनेशन है चाइना टाउन। हमारे घर से सिटी जाने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है। हम जा रहे हैं बे ब्रिज के ऊपर से। ये बे ब्रिज सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड को कनेक्ट करता है। आज का वेदर भी बहुत बढ़िया है, फोटो खींचने के लिए आइडियल। देखिए, ब्रिज के दाहिने तरफ सिटी स्काईलाइन दिख रहा है। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। सैन फ्रांसिस्को पूरा सिटी ही छोटे छोटे हिल्स पे बना हुआ है, इसीलिए रास्ते ऐसे हैं। ये सामने जो गेट दिख रहा है वो चाइना टाउन का एंट्री पॉइंट है, इसे ड्रैगन गेट कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को चाइना टाउन वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट चाइना टाउन है। ये अराउंड 1850s में बनाया गया था। हम इससे पहले भी बहुत बार चाइना टाउन घूम चुके हैं। नॉर्मली ये जगह लोकल्स और टूरिस्ट से हमेशा ही खचाखच भरा रहता था। कोविड की वजह से यहाँ के बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए हैं। इस वॉल पर देखिए ब्रूसली का ग्रफिटी कितना कलरफुल है। चाइना टाउन के बहुत सी गलियों में आपको ब्रूसली की ग्रफिटी देखने को मिलेगी। क्या आपको पता है ब्रूसली का जन्म सैन फ्रांसिस्को सिटी में हुआ था? घूमते घूमते हम चले आए हैं ईस्टर्न बेकरी। ये चाइना टाउन का सबसे पुराना बेकरी है। अगर आप कभी चाइना टाउन विजिट करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेसमी बॉल्स, एग टार्ट्स, मून केक। ये ऊपर झूलते हुए लंठन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात को जब ये जलते हैं तो और खूबसूरत लगते हैं। सामने वॉल पर जो ग्रफिटी दिख रही है वो मंकी किंग मूवी से इंस्पायर्ड है। गोल्डन गेट बेकरी बहुत फेमस है उनके एग टार्ट के लिए, लेकिन साल के आधे समय बिना किसी नोटिस के इनकी शॉप बंद होती है। इस वजह से इनके कस्टमर्स ने FB पे एक पेज ही खोल रखा है। पेज का नाम है इस गोल्डन गेट बेकरी ओपन टुडे। अगर आपका ये बेकरी विजिट करने का प्लान है तो पहले आप वो पेज ज़रूर विजिट कर लीजिए। दूसरों के जैसे हमें भी गोल्डन गेट बेकरी ओपन नहीं मिला तो हम चले गए AA बेकरी। यहाँ पर हमने ट्राई किया एग टार्ट, खाने में भी अच्छा था। अब हम आ गए हैं गोल्डन गेट फॉर्चून कुकी फैक्ट्री में। ये छोटी सी फैक्ट्री विजिट करने के लिए बहुत जगह से टूरिस्ट आते हैं। छोटे होने के बावजूद भी ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हमें। हम जब लाइन में वेट कर रहे थे तो उन्होंने हमें कुछ कुकीज टेस्ट करने के लिए दिए। पीछे देखिए, वहाँ पे फॉर्चून कुकीज तैयार हो रहे हैं और सामने पैकेजिंग। पहले यहाँ पर सिर्फ प्लेन फॉर्चून कुकीज़ ही बिकते थे, अब यहाँ पे कई सारे फ्लेवर्स भी मिलने लगे हैं। बहुत से फेमस लोगों ने भी ये फॉर्चून कुकी फैक्ट्री विजिट की है। देखिए वॉल पर आप उनके फोटोज़ भी देख सकते हैं। इधर देखिए, ये बना रहे हैं फॉर्चून कुकीज़। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना होता है। हॉट प्लेट्स पर कुकी शीट तैयार होके आ रहे हैं। कुकी शीट सॉफ्ट रहते रहते ही इसके अंदर चिट भरकर फोल्ड करना पड़ता है। कुकीज़ वो शेप नहीं कर पाए, वो कुकीज़ एज अ सैम्पल उन्होंने टेस्ट करने दिए थे।
मुझे इनका ये प्रोसेस पानी पूरी के पूरी जैसा लगा। और इस तरफ आप कस्टमाइज्ड फॉर्चून कुकी भी बना सकते हैं। आप अपने हाथों से कुछ चिट में लिख कर उनको दे सकते हैं, वो उस चिट को फॉर्चून कुकी में डालकर आपको देंगे। दो कस्टमाइज्ड कुकी तैयार करने के उन्होंने $3 चार्ज किए, जो मुझे एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना ऑर्डर करने के बाद में आपको फॉर्चून कुकीज़ फ्री में ही दिए जाते हैं। देखिए सामने उस वॉल पर एक और ब्रूसली की ग्रफिटी। इस वॉल पर लोकल आर्टिस्ट ने चाइनीज ड्रैगन बनाया है। वाओ, देखिए कितना खूबसूरत है। ये मूर्ति देखिए, हमारे ब्रह्मा जी जैसे दिख रहे हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे ये कौन सा भाषा है? चलिए अब आपको लेके चलती हूँ यहाँ के एक सुवेनियर शॉप में। चाइना टाउन का ट्रिप कीड़े मकोड़े देखे बिना तो इनकम्प्लीट ही है। वाओ, ये मेडिटेशन बोल्स कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे देखिए मेड इन चाइना गणेश जी। घर सजाने के कितने सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पे बिक रहे हैं। ये देखिए ब्रॉन्ज का बना हुआ शेर। इतने सारे आकर्षक चीजें देख के मन कर रहा है कि सब कुछ ही खरीद लूं। ये मूर्ति देखिए पूरे हमारी लक्ष्मी जी की तरह दिख रही हैं। वाओ, ये रंग बिरंगे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसी मूर्तियां मैंने बहुत सारे एशियन मूवीज में देखी है। ये सारे हैं लकी कैट। यहाँ पे बहुत सारे एशियन दुकानों में आपको ये लकी कैट दिखेंगे। उनका मानना है कि अगर ये कैट उनके दुकानों में रहेंगे तो उनके दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। ये टी शर्ट्स देखिए, वाओ कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं। हमने जब लास्ट टाइम चाइना टाउन विजिट किया था तब हमने एक सेट लिया था। चलिए अब निकलते हैं इस दुकान से। रास्ते पर बैठकर ये बुजुर्ग यहाँ पे चाइनीज वायलिन बजा रहे हैं। चाइना टाउन की गलियों में घूमने में हमें बहुत मजा आ रहा है। ये ओल्ड सेंट मेरीज कैथीड्रल है। ये कैलिफोर्निया का सबसे पुराना कैथीड्रल है। ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, पूरे पेगोडा जैसे। और स्ट्रीट लाइट्स का तो जवाब ही नहीं। हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं चाइना टाउन का ट्रिप। आज का लंच हम करेंगे द बर्ड से। सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। खाना ऑर्डर करने के बाद हमें ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर्विस इनका बहुत फास्ट है। आज हमने ऑर्डर किया स्पाइसी चिकन बर्गर और मिष्टू के लिए टेटर टॉट्स। मिष्टू को पापा ने स्माइल करने के लिए कहा तो देखिए मिष्टू का स्माइल। ये बर्गर जॉइंट उतना बड़ा नहीं है बट इसका एम्बियंस बहुत रस्टिक है, हमें तो बहुत अच्छा लगा।
लंच हमारा डन हो गया है, अब हम जाएंगे बर्नल हाइट्स पार्क की तरफ। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद अराउंड 5 से 10 मिनट का हाइक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बच्चे इजीली कर सकते हैं। जस्ट लंच करने के बाद ऊपर चढ़ाई चढ़ने में मुझे तो थोड़ी तकलीफ ही हो रही है। यहाँ ऊपर से आपको सैन फ्रांसिस्को सिटी का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू बहुत अच्छा दिखता है। सैन फ्रांसिस्को सिटी में देखने लायक ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर जगह हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह सैन फ्रांसिस्को में देखना है तो ज़रूर मुझे बताइए। आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।